मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें रिश्तों की सच्चाई बताता हूँ। जो रिश्ते इस जन्म में तुम्हारे हैं, माँ बाप, भाई बहन और यहाँ तक कि पड़ोसी और शत्रु भी, ये पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ थे। पर जो रिश्तों का रूप था वो अलग था, जो कर्मों का भुगतान था ना, वो अधूरा रह गया था। उस भुगतान को पूरा करने के लिए तुम सब लोग एक साथ आए किसी न किसी रूप में। ये जो मामले हैं ना, बहुत गहरे और गूढ़ हैं, इन्हें ध्यान से समझना। हम सब ईश्वर और कर्मों के साथ गुथे हुए हैं। किसी न किसी का किसी के साथ रिश्ता पिछले जन्म में भी था, इसलिए मैं कहता हूँ, किसी का दिल मत दुखाओ, ना किसी से नफरत करो, ना किसी को अपशब्द कहो, किसी से घृणा भी मत करो। कौन जाने तुम किसी ऐसे को चोट पहुंचा रहे हो जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सबसे ज़्यादा चाहता हो। तुम्हारी किसी प्रिय की आत्मा दूसरे रूप में तुम्हारे सामने आई हो। कभी कभी जो आत्मा आपको दिल से चाहती है, वो आपके जीवन काल में किसी पीड़ादायी के रूप में जन्म लेगी, ताकि आपके कर्मों का भार हल्का हो सके। कभी कभी आत्मा आपको सहारा देने के लिए जन्म लेती है, किसी मजबूत चट्टान की तरह अड़िग होकर आपकी मदद करती है, क्योंकि आपको उसके साथ की ज़रूरत है। तो मेरे बच्चों, मुझे बताओ, कौन तुम्हारा मित्र, कौन तुम्हारा शत्रु? ये सभी आत्माएं तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब सास बहू के रिश्ते को ले लो। बहू अधिकतर किसी न किसी रूप में ससुराल वालों की बेटी या बेटा होती है, और पिछले जन्म के कुछ मुद्दे जो आपस में उनके अनसुलझे रह गए थे, वो इस जन्म में बहू के रूप में सुलझाने के लिए आती है। एक बात याद रखो, माता पिता जो बच्चों के बीच जो मुद्दे होते हैं ना, वो हमेशा अनसुलझे रहते हैं, जिनका निपटारा किसी न किसी जन्म में करना होता है। फिर तुम्हें किसी और रिश्ते के रूप में लेकर उन मुद्दों का निपटारा करना होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो बेटी बहू के रूप में या सास के रूप में आती है, बेटा किसी और रूप में आता है, ये चलता रहता है जब तक आपस के जुड़े हुए कर्मों का निपटारा नहीं हो जाता। जैसे बेटा अपनी माँ के कर्मों का निपटारा करने के लिए उसकी शादी ऐसी जगह होती है जहाँ उसकी सास पिछले जन्म में उसकी माँ होती है। पिछले जन्म में तुम्हारी बहन ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा हो, तुम्हारी हर तकलीफ को समझा हो, तो इस जन्म में तुम उसकी कोख से जन्म लेना चाहोगे ना, कि अपनी माँ की कोख से? यही प्रकृति का खेल है मेरे बच्चों। जो सास बहू के रूप में माँ बेटी के रूप में कर्मों के मुद्दों को निपटाने की कहती है, जो कि माँ बेटी बनकर नहीं सुन सके। अफसोस की बात है, सास बहू का रिश्ता ऐसा है जो कि सुलझने के बजाय अनसुलझे रह जाते हैं। ये सब देखकर दुख होता है, क्योंकि वे आपस में मनमुटाव नहीं मिटा सकी, तो जो उनके आत्मिक व्यतीत की बजाय अनुन्नति की तरफ बढ़ने लगती है। अब मजबूरन हमें उनको आत्मिक सीढ़ी पर कुछ पायदान नीचे भेजना पड़ता है। अगर वह आपस में बैर नहीं रखती, प्यार से रहती है, दीन दुखी की सेवा करती है, तो कर्मों का दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है और वो आत्मिक सीढ़ी के पायदान से कुछ ऊपर चली जाती है। तो इसलिए मेरे बच्चों, मन में बैर, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर ये रहेंगे तो तुम आत्मिकता की नहीं कर पाओगे। हम हर प्राणी को अनेक मौके देते हैं, परंतु यदि वो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और लालच के रसों को ही पीना चाहता है, तो हमारे हाथ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं का आत्मिक सीढ़ी पर नीचे उतरना तय है। यदि पशुता नहीं छोड़ सकते हो, तो प्रकृति कहती है कि लो, अब पशु बनकर ही रहो। दोबारा जन्म का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसी रूप में दोबारा जन्म लोगे, ये बात समझ लो। दोबारा जन्म लेने का अर्थ है कि प्रकृति तुम्हें अपने कर्मों को, कमजोरियों को सुधारने का मौका दे रही है, पिछले जन्म के सारे मुद्दों को खत्म करने का मौका दे रही है। तो इसलिए मेरे बच्चों, इस जन्म में जो कर्म है ना, सोच समझ कर करो,
ताकि जो भी मुद्दे हैं, जो भी कर्म हैं, वो इसी जन्म में निपट जाएं। समझ गए ना मेरी बात? खुश रहो।